बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल चावल थाली, जो कराची की मशहूर यानी कि फूड स्ट्रीट है, वो वहाँ के ये दाल चावल थाली है। तो इसको हम बनाएंगे, उसके लिए बाजारी स्टाइल से ही बनाएंगे। और इसके साथ तड़के वाले, जीरे के तड़के वाले वाइट राइस होते हैं, उबले हुए चावल जो है, और साथ इसके मिर्च होती है थोड़ी सी, यानी कि वो फ्राई की हुई होती है, और एक कबाब होता है। कबाब यानी कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चिकन और आलू का लेते हैं या खाली आलू का लेते हैं, लेकिन हम जो है वो चिकन और आलू का कबाब बनाएंगे इसके साथ। तो इसमें यानी कि बहुत कम चीज़ें जाती हैं। अच्छा, दाल कौन सी है? ये यानी कि मसूर की दाल हमने ले ली, लाल वाली दाल, ये मूंग की धुली हुई पीली वाली दाल, और ये चने की। और इनको साफ करके इनको 1 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। अगर टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट भी इन्हें पकाने के लिए रख सकते हैं। तो ये हमने ली है छोटा 1 कप, ये भी छोटा 1 कप, और ये 1/2 कप। यानी कि हमने दालों की मिकदार इस तरह लेनी है कि ये दोनों बराबर मिकदार की लेनी है, और उसके 1/2 जो है वो हमने चने की दाल लेनी है। तो इनको हम साफ करके इसको धो लेते हैं, और हम इसको साथ ही पकाने के लिए रख देंगे, भिगो के नहीं रखेंगे। आप वैसे इसे 1 घंटा अगर भिगोना चाहें तो भिगो सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि इसमें जो मसाले जाते हैं वो सिर्फ 1 प्याज, 1 टमाटर दरमियाने साइज का, 4 से 5 हरी मिर्चें आप इस तरह कट कर लें, इनको आधी कर लें, 9 से 10 जवे जो हैं वो इसके लहसुन के, ऑयल जाएगा। और बाजार वाले जो है ना वो इसमें डालते हैं यखनी, वो किनोर चिकन क्यूब डालते हैं, मैं वो नहीं डाल रही। मेरे पास यानी कि चिकन की यखनी मौजूद है, जो कि मैंने इसकी गर्दने और विंग जो हैं वो उनसे निकाल के इनको सेव कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये यखनी मौजूद है, मैं ये यखनी डालूंगी। अगर आपके पास यखनी नहीं है, आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दाल को जो है साफ करके तो धो लेते हैं। अच्छा, ये मैंने दाल को धो के अच्छे से इसमें डाल दिया, और ये यानी कि 2 ग्लास के करीब यखनी है, ये डाल दूंगी। ये इसका मसाला बाहर ही रहने दूंगी। 1 प्याज, 1 टमाटर, 9 से 10 जवे लहसुन के, और हरी मिर्चें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक मैं फिलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी नमक था, तो इसलिए मैं अभी कम डाल रही हूँ, बाद में इसका चेक करके फिर डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, अदरक का पाउडर, आप फ्रेश अदरक कूट के भी डाल सकते हैं, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ऑयल भी थोड़ा सा हम साथ डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। और इसको जो है जैसे ही उबाल आता है तो इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको प्रेशर दे देते हैं। अच्छा, दाल को हमारे जो है वो प्रेशर आ चुका है, मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है, तो इसको आप हल्की आंच पे अब पकाएंगे। ये क्योंकि गल चुकी है, जैसे इसमें ये लहसुन साबुत है, आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये साबुत डालना अच्छा लगता है, तो इसको हम ये इस तरह मैश कर देंगे। क्योंकि इसका फिर जब हम कूटते हैं तो उसमें पानी काफ़ी उसका ज़ाया हो जाता है, तो ये हम इसको इसमें मैं इसको मैश कर दूंगी, ये मैश हो जाएगा सारा। तो इसको मैं दरमियानी आंच पे अब छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ये भी पतली है। दाल सारी गल चुकी है, इसका हल्का सा दाना जो है ना वो होना चाहिए, जो ये चने की दाल का, बाकी तो सारी वो गल जाती है। तो इसको हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। साथ हम जो है वो कबाब की तैयारी कर लेते हैं, जो इसके साथ प्लेट के हमने देना है। ये चिकन मैंने उबाल लिया था, कुछ विंग्स और गर्दनों को लेके, वो यखनी मैंने उसमें दाल में डाल दी है, और ये मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। और ये आलू तकरीबन, ये वाले मैं 3 छोटे आलू हैं, इनको मैश कर लूँगी। इनको मैंने उबाल लिया सिंपल, इनमें कुछ नहीं डाला। अगर आप नमक डालना चाहते हैं थोड़ा सा तो वो डाल लें। पहले इनको पूरा सारा मिक्स करके अच्छे से मैश करके देख लेंगे, अगर तो यानी कि ये आलू काफ़ी हुए, क्योंकि इसमें चिकन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए कबाब में ना, तो अगर तो यानी कि हमें लगा कि ये इसमें वो पूरा हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम 2 आलू और मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, दाल हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देख लें, इसकी जो है वो थिकनेस ये रेडी हो चुकी है। आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के में जो है आधी टीस्पून मैंने पहले उसमें आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है कि आपको कितना स्पाइस चाहिए। अगर तो यानी कि आप कम मिर्चे खाते हैं तो उसमें जितनी मैंने डाली हैं वो उतनी उस हिसाब से वो ठीक थी। तो थोड़ी सी मुझे कम लगी क्योंकि दाल चावल थोड़े से स्पाइसी मज़े के लगते हैं। तो अब इसका तड़के में ये है कि दो मैंने छोटी छोटी हरी मिर्चें थी वो बारीक काट ली हैं, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर है, आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधी से थोड़ी सी कम पिसी हुई लाल मिर्च और एक टीस्पून जीरे की। और इसको वो देसी घी में भी तड़का लगाते हैं, मैं देसी घी में नहीं लगा रही, मैं नॉर्मल घी में लगा रही हूँ इसको। तो इसमें मैं तकरीबन दो चम्मच जो है वो ऑयल के डालूंगी, ओ घी के सॉरी। इधर साथ मैंने ये भी मिक्स कर ली है, उसी में वो पूरे नहीं हुए, मैंने एक छोटा सा आलू और डाला था। आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें चिकन ज्यादा है और आलू कम है। तो इसमें हम पहले तड़का हम कर लें अपना, तो फिर हम इसमें वो लगाते हैं नमक मिर्च डालते हैं। इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे, उतनी देर में उसमें हम ये पिसा हुआ जीरा एक टीस्पून, खुश्क धनिया एक टेबलस्पून और जायफल का पाउडर एक चुटकी। साथ आप इसको हिला लेंगे। नमक वगैरह बाद में आप चेक कर लिए अपना कि उसमें कम है या ज्यादा, मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया था। इसको बहुत काला नहीं करना। अगर आप यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च नहीं यूज करना चाहते तड़के में तो आप गोल लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तड़का नहीं भी लगाना चाहते तो शुरू में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था वो उसी में भी आप कर सकते हैं। इस तरह यानी कि जैसे दाल तैयार हो गई है, ये हम इसमें तड़का डाल देंगे। इसमें बस अब सब्ज धनिया डाल देंगे और ये चूल्हा बंद कर देंगे जब तक कि हमारे चावल तैयार हो जाएंगे और हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो इसको फिर दोबारा हम गर्म कर लेंगे, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। दाल हमारी डन हो चुकी है। अच्छा, ये मैंने तीन से चार हरी मिर्चें थी वो काट के डाल दिया बारीक और ये थोड़ा सा धनिया था, बाकी स्पाइसेस में ऐड करते हैं। नमक डाल लेंगे आधी टीस्पून, आप यानी कि जिस हिसाब से आलू और चिकन ले रहे हैं उसी हिसाब से आप नमक मिर्च जो है वो डाल लीजिएगा। आधी टीस्पून मैंने लाल मिर्च का डाला पाउडर और एक टीस्पून कुटी लाल मिर्च। इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा, इससे कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून और खुश्क धनिया एक टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसके छोटे छोटे हम कबाब बना लेंगे। तो उनको फिर हम बेसन का घोल बना के उसमें फ्राई करेंगे। इसमें हमने कोई अंडा नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। तो जो है ना, आप क्योंकि इसमें अगर अंडा डालेंगे तो वो शामी कबाब बन जाएंगे। वैसे आप डाल सकते हैं इसमें अंडा मिक्स करके और कॉर्नफ्लोर डाल के कि उसको जो है ना वो करना ना पड़े, लेकिन ये है कि जो बाजार में वो मिलते हैं वो बेसन ऊपर उन्होंने चढ़ाया होता है, बेसन और अंडा। तो इसको अब जो है ना वो मैं अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने और इसके अब मैं छोटे छोटे कबाब बना लेती हूँ सारे। अच्छा, ये हमने पतला सा घोल जो है वो घोल लिया, ये बिल्कुल बहुत थिक नहीं बनाया। और ये बेसन है सिर्फ, और बेसन में मैंने थोड़ी सी वो लाल मिर्च डाली है और नमक थोड़ा सा डाला है और जीरा डाला है बस। ये बाकी मैंने ये सारे कबाब वो बना लिए हैं, इनको मुझे सिर्फ छः कबाब की या सात कबाब की ज़रूरत है, उतने मैं फ्राई करूँगी, बाकी मैं फ्रीज कर दूँगी। वो आप यानी कि दाल चावल के साथ ही दोबारा खा सकते हैं या आप
उसका वो वैसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, बर्गर भी बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच में, रोल भी बना के दे सकते हैं। तो मैं इनको सिर्फ, मुझे जितनी जरूरत है मैं उतने कबाब फ्राई करूंगी। इनको बस मैं लाइट ब्राउन होने तक जो है वो पकाऊंगी, इनको हलाएंगे नहीं। और दूसरी तरफ साथ में जो मिर्चें हैं, यानी कि कह रही थी मिर्चें मुझे उस तरीके की मिली नहीं है, जो मिर्चें इसके साथ खाते हैं दाल चावल के साथ, वो थोड़ी सी इस तरह की मोटी होती हैं और थोड़ी सी लंबी होती हैं, वो दूसरी नहीं जो हम फ्राई करते हैं रमज़ान में, वो नहीं, ये पकाने वाली मिर्ची ही होती हैं लेकिन थोड़ा उनका साइज़ मोटा होता है। तो ये वाली मिर्चें मुझे मिली नहीं है, आजकल मार्केट में सारी यही मिर्चें आई हुई हैं, बहुत जगह से चेक किया यही आई। और इनको हम ये हाफ कट लगाएंगे, नीचे से ये जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इतना दोनों तरफ से इतना कट लगाना है। तो इनके ऊपर आग जला लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने जो है नमक डाला है 2 चुटकी, और ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है, लाल मिर्च डाली है, और इसका पाउडर लहसुन का पाउडर डाला है, ये तकरीबन एक एक दो दो चुटकी मैंने डाले हैं। ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 जो है ना वो चम्मच छोटे टीस्पून। इसको हम बस इसमें हल्का सा तड़का लगा लेंगे इसका, यानी कि दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। तो ये उसके साथ, अगर वो बड़ी मिर्ची हो ना तो उनके साथ बहुत मजा आता है। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी फिर इसमें हम आमचूर का पाउडर डालेंगे। अगर आमचूर का पाउडर नहीं है आपके पास तो पिसा हुआ अनारदाना आप थोड़ा सा डाल सकते हैं 2 चुटकी के बराबर। ये भी तकरीबन हमारे जो है इनकी साइड चेंज कर देंगे। मिर्चों को एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ये पटाखा मार जाती हैं। इनको साथ हलाते रहें। बस इनको हल्का सा ये सेकना है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ी पकनी शुरू हो गई है, कलर चेंज हो गया इनका। इसका चूल्हा भी बंद कर देंगे। ये हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। ये हमारी मिर्चें भी रेडी हो चुकी हैं। जब ये इस तरह का कलर आ जाए सब पे तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें। ये वैसे ही साथ सर्व की जाती हैं, ये हमारी हो चुकी हैं। इसका चूल्हा बंद करेंगे और चावल जो है वो सिंपल तरीके से आप उबाल के, तो उनको जो है जीरे का तड़का हल्का सा लगा के गरम करके, तो उसी में चावल डाल के तो उसको आप दम दे दें। तो जैसे ही हमारे चावल तैयार होते हैं तो फिर हम ये सर्व करते हैं। अच्छा जी, चावल हमने उबाल लिए हैं और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल गरम होने देंगे और इसमें थोड़ा सा हम जो है 1 टीस्पून के करीब जो है वो जीरे का डाल देंगे, साबत जीरे का। तो ये जैसे गरम होता है तो इसमें हम सारे उबले हुए चावल डाल देंगे।
ये जीरा हमारा जो है वो हो गया है, क्योंकि इसको हमने काला नहीं करना। तो इसमें अब हम ये सारे चावल डाल देंगे। हल्के हाथ से हला लेंगे। आंच को कम कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम जो है ये दम पे दे देंगे। हमारी यानी कि मिर्चें भी तैयार हो गई हैं, दाल भी तैयार है और कबाब भी तैयार है। तो जैसे इसका दम हम 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उतारते हैं तो इसको हम सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। तो मैं इसको इस थाली में सर्व करूंगी, क्योंकि वहां भी आपको एक ऐसी ही थाली मिलेगी स्टील की, और इसी तरह की एक छोटी सी प्याली होती है जिसमें वो दाल और चावलों के ऊपर ही कबाब और मिर्चे वो डाल के तो देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।